87,697 रुपया इसके अकाउंट में आया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो देख लो भाई इसका कितना का बोना फाइट था भाई तुम्हारा। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ई कल्याण से रिलेटेड न्यू अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग को बता दें कि बहुत लोगों का जो है डीएलसी में बहुत दिनों से अटका हुआ है, यानी कि डीएलसी अप्रूव्ड हो गया है या फिर पेंडिंग है, डीएलसी हो गया या फिर पेंडिंग है डीएनओ ऑफिसर होकर बहुत दिन से अटका हुआ है, यानी कि 1 महीना 2 महीना हो गया है। तो उन लोगों का फॉर्म आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, साथ साथ हम लोग देखेंगे कि रिसबमिटेड वाले को पेमेंट कब मिलेगा। इसके साथ साथ जितना भी ई कल्याण से रिलेटेड डाउट आया हुआ है सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेबीएन। सबसे पहले आपको बता दें कि ये ई कल्याण का वेबसाइट है और यहाँ पे हम लोग अपडेट्स देखते हैं। तो अपडेट्स में आपको बता दें कि कोई भी चेंजेस नहीं है, जो भी डेट था सारा कुछ सेम ही है। अब एडिटिंग वेडिटिंग का डेट 7-7 तक था और अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन करता है तो वो अगस्त तक उसका हो गया है, यानी कि इस महीने 25 तारीख तक वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगस्त तक वेरीफाइड बाय कॉलेज करा सकते हैं। इतना सब तो आप लोग को मालूम ही था मेरे पिछले वीडियो से ही। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डीएलसी अपलोड वाले का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। तो भाई हम बता दे रहे हैं कि जिनका भी डीएलसी में अटका हुआ है, यानी कि पेंडिंग है डीएलसी या फिर डीएलसी से अप्रूव होकर 2 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, हम डीएलसी का ही सिर्फ बात नहीं कर सकते, ये आपका डीएनओ के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे मेन कारण है कि आपका आधार, अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं होगा तो डीएलसी डीएनओ अप्रूव नहीं करेगा आगे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों का भी अप्रूव बाय डीएनओ होकर लटका हुआ है, अप्रूव बाय डीएलसी होकर लटका हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए आपका आधार जो है बैंक से लिंक है या नहीं। आप जैसे ही आधार से बैंक को लिंक कराएंगे आपका जो है वो अप्रूव शो होने लगेगा, ठीक है, और वहाँ से आगे बढ़ के वो अप्रूव्ड बाय ए ऑफिसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 1 महीने के अंदर पेमेंट मिल जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या नया नया कमेंट्स आया हुआ है। तो कमेंट्स में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, एक प्रभात वर्मा का है कि मेरा 3 महीने से कॉलेज में अप्रूव से आगे नहीं जा रहा है। भाई ठीक है, आपका कॉलेज से अप्रूव के आगे नहीं जा रहा है क्योंकि आपका भी आधार जो है बैंक से लिंक नहीं है, ठीक है। ये आप लोग जब लिंक करा लेंगे तो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई तुम्हारा, प्रभात वर्मा डिस्ट्रिक्ट बता दो एक बार। भाई 1 मंथ हो गया ये अप्रूव्ड हो गया, अब तक पैसा नहीं आया। भाई आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट में अभी तक किसी को भी पैसा नहीं आया होगा, ठीक है, जिसका भी ये अप्रूव्ड होकर लटका हुआ है। आप लोग को बताए थे कि डीसी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जाके उसका जो है ऑडिट करेगा, कॉलेज में इंस्पेक्शन करेगा, उसके बाद जो है पेमेंट आना शुरू होगा, ठीक है। इनफैक्ट बहुत डिस्ट्रिक्ट में आना शुरू भी हो गया, गोड्डा वाले का जो है पैसा रोक दिया था कुछ दिन के लिए, उसको आना फिर से मतलब कल से वो चालू हो चुका है, ठीक है। और भी जिसका भी अटका हुआ है आप लोग का आ जाएगा। बीटेक वालों का कब आएगा, 2 मंथ हो गया है अप्रूव में। भाई बीटेक आपका आपका ऐसा कोई मतलब डिपार्टमेंट वाइज पैसा नहीं आता है कि कोई बीटेक कर रहा है, कोई हिस्ट्री से पीजी कर रहा है या फिर बीए कर रहा है उसका पैसा आएगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस हिसाब से पैसा आएगा, ठीक है दोस्त। भाई मेरा आधार लिंक नहीं था बैंक अकाउंट से, इसीलिए डीएलसी में 2 मंथ से अटका हुआ था, बाकी लोग को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए चेक करें। हाँ भाई देखे ना, इनका भी बैंक से लिंक नहीं था डीएलसी, इसीलिए 2 महीने से अटका हुआ था। जब ये बैंक से अकाउंट लिंक करवा लिया, अपना आधार लिंक करा लिया, तब जाके जो है इसका आगे बढ़ गया। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा है भाई, हम बता दे रहे हैं सबको, सबको एक बार सुन लो। रिसबमिटेड बाय स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है, अरे भाई अगर आप रिसबमिट किए होगे तो रिसबमिटेड बाय स्टूडेंट ना लिखा हुआ आएगा। अगर आप फिर से रिसबमिट किए हो धीरे धीरे आपका फॉर्म का जब नंबर आएगा तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अंकिता शॉर्ट्स आपका भी, अपना नंबर और पासवर्ड दो ना चेक करेंगे। अरे भाई दूसरे का नंबर पासवर्ड क्यों ले रहे हो तुम। मेरा करंट स्टेटस अप्रूव्ड बाय कॉलेज है आउट ऑफ स्टेट गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, कब तक पेमेंट मिलेगा आउटसाइड स्टेट का। भाई आउटसाइड स्टेट वालों का गोड्डा का भी पैसा आना शुरू नहीं हुआ है, गोड्डा में इनसाइड स्टेट जो भी मतलब झारखंड में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं और वो गोड्डा जिला के हैं, उन लोगों को पैसा पेमेंट मिलना शुरू हो गया। इनफैक्ट बहुत लोगों का यूजी का लटका दिया था, मतलब रोक के रखा था, उन लोगों को भी पैसा फिर से मिल गया है, ठीक है। और जिसका भी नहीं आया उनका कुछ इशू होगा, बैंक में आधार लिंक नहीं होगा या फिर आपका कुछ और इशू हो सकता है, एक बार आप ई कल्याण ऑफिस में जाके उनसे बात कर लीजिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं उसको बताओ, फालतू कमेंट सबको क्यों दिखा रहा है। भाई देखो सारा कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना एक डाउट होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये डाउट है, तुम्हारा ये कमेंट है, अगर हम इसको नहीं पढ़े, इसको स्किप कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, सबको आएगा भाई, सबका अलग अलग परेशानी है तो अलग अलग ही ना कमेंट्स रहेगा दोस्त, ऐसे परेशान होने से थोड़ी होगा। भाई मैं हैदर हूँ, MG कॉलेज रानेश्वर दुमका से हूँ, फाइनल अप्रूव्ड 1 मंथ पहले हो चुका है, कब पेमेंट आएगा। भाई अगर आपका फाइनल अप्रूव हो गया तो सबसे पहले ये चेक करो कि बैंक आधार से लिंक है या नहीं। अगर बैंक आधार से लिंक है तो आपका ई कल्याण जो है दुमका डिस्ट्रिक्ट वाले को पैसा अलॉट नहीं किया है। आप लोग का ये अप्रूव हुआ तो आपका समझ लीजिए कि बिलिंग हो चुका है, ठीक है। आपका जैसे ही वहाँ का DC अलॉट करेगा पैसा, वो उसी दिन पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दुमका वाले थोड़ा वेट कर लो। ये देख लो, एक आशीष कुमार है कि DBT गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ 87,697 रुपया इसके अकाउंट में आया है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो देख लो भाई इसका
कितना का बोनाफाइड था भाई तुम्हारा? बोनाफाइड इसका 1,50,000 से ऊपर का होगा, ठीक है, या फिर 2 लाख का होगा। ये जितना भी MBA वाले लोग हैं इन लोगों को पेमेंट 87,000, अभी तक का हाईएस्ट पेमेंट जो आया है 87,697 रुपया आया आशीष कुमार का। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, देख लो इनको आया है। रांची ITI वालों को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने कब से दिया जाएगा? ITI वाले को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने, भाई ई कल्याण जब आता है तो साथ ही साथ सबको भी भर सकते हैं, ITI वाले भी भर सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि ITI वाले को अलग से फॉर्म भरना होता है। सब कोई जब तक ई कल्याण का डेट है तब तक आप भर सकते हैं, ठीक है। और ये भरने का डेट अभी जो है 27 जुलाई तक हो गया है, इसी जुलाई में आप भरना शुरू कर सकते हैं। ST फंड में पैसा आता है, SC OBC को नहीं मिलता जल्दी। मेरा DLC अप्रूव हुआ है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, रांची JGS कॉलेज। भाई DLC अप्रूव वाले का बताया ना, DLC अप्रूव वाले को पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए वो लटका के रखा है। ST फंड में पैसा आता है, SC OBC को नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। हम खुद OBC में आते हैं और हमको पेमेंट मिल गया, और पहले ही लिस्ट में मिल गया, जब शुरुआती दौर था ना तभी मिल गया। आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन में गलती हुआ है, स्टील हंगरी, तभी जाके आपको पेमेंट नहीं मिला, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वो लोग कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं कि SC OBC को नहीं दे रहे, ST को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। ये अप्रूव 2 मंथ हो चुका है, पैसा कब आएगा? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट डेट, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को बता रहे हैं भाई, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में भी अलॉट नहीं किया गया, ठीक है। DC आपके कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में वो लोग चेक करेंगे सब कुछ, ठीक है, उसके बाद वो लोग अलॉटमेंट करेंगे। अगर आपका ये अप्रूव हो गया तो आपका बिलिंग हो चुका है, आपका पेमेंट एक क्लिक में आ जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा वेट करने का जरूरत है भाई। 2 मंथ से ये अप्रूव हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला हजारीबाग, हजारीबाग में किसी को नहीं मिला। मनीष शर्मा देख लो, ये सनकी जो है इसका भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी अभी तक नहीं मिला है। गोड्डा वाले का स्कॉलरशिप आज से आना स्टार्ट कर दिया, देख लो भाई, गोड्डा वाले का लटका दिया था पेमेंट, बताया था ना, फिर से उसको शुरू कर दिया, ठीक है। 48,800 OBC गोड्डा, BEd कॉलेज गोड्डा, देखो BEd कॉलेज गोड्डा से कितना मिल रहा है, 48,800 करके मिला है गोड्डा में, ठीक है। तो आप लोग को लग रहा है गलत इन्फॉर्मेशन है, देख लो लोग खुद ही बता रहा है कितना उसको आया। मेरा अभी कॉलेज से अप्रूव हुआ है भाई, आउटसाइड स्टेट कॉलेज है मेरा, अब कब तक पेमेंट आएगा? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, प्लीज़ बताओ भाई, मेरा आउटसाइड कॉलेज है, कब तक पेमेंट आएगा? आउटसाइड स्टेट वाले का थोड़ा लेट से आएगा भाई, क्योंकि आउटसाइड स्टेट वाले का तो जुलाई में प्रोसेसिंग शुरू हुआ है, उसका तो कॉलेज ही नहीं दिख रहा था, ठीक है, आ जाएगा भाई, बता रहे हैं धीरे धीरे करके, परेशान नहीं हो। ए फाइनल अपने होने के बाद मिलेगा आपको भाई, तो ए अप्रूव नहीं हुआ, ए अप्रूव जब हो जाएगा उसके बाद जाके मिलेगा पेमेंट, ठीक है। गोड्डा वाले का स्कॉलरशिप आज से आना स्टार्ट कर दिया, हाँ भाई सबको बता दे रहे हैं कि गोड्डा वाले को आना शुरू हो गया पेमेंट, ठीक है। जो भी गोड्डा वाले हैं सुन लीजिए, आपका पेमेंट आना शुरू हो गया। अगर आपका अभी नहीं आ रहा तो आप एक बार बैंक अपना चेक कर लें, आधार से लिंक है या नहीं। पियर से हूँ और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, 2 मंथ पहले ये वेरीफाइड हुआ है, सारा अकाउंट में आधार लिंक है, शायद अभी बंद किया होगा पैसा भेजना ई कल्याण, इसलिए नहीं क्रेडिट हुआ है। हाँ बंद किया हुआ था फिर शुरू कर दिया है, ठीक है, उसको चेक करो, मेरा तो नहीं आया अभी तक, पता नहीं, चेक करो, सबका आएगा, सबका आएगा, क्या हो रहा है गोड्डा वाले का, सबको आ रहा है भाई पैसा। धनबाद का कब आएगा भाई? धनबाद में भी किसी को पैसा आना भी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। धनबाद में अगर आपका ये अप्रूव हो गया है, बैंक से आधार लिंक है, तो आपको भी 10 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा, ठीक है। सर हम ग्रीड ऐसे हैं और 2 मंथ से अभी तक कॉलेज अप्रूव बता रहा है, आगे प्रोसेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, कब आएगा भाई? ग्रीड से 2 मंथ से अगर कॉलेज अप्रूव नहीं बता रहा है तो आप एक बार DNO ऑफिस जाओ, यानी कि ECLN ऑफिस जाओ, वहाँ बात करो, आपका ये डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती हुआ होगा। जिसका भी 2 मंथ से ज़्यादा हो गया उसका यही है कि आधार लिंक नहीं है, या फिर और भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती आया है, ठीक है, इसीलिए वो लोग उसको अटका के रखा है, ना रिजेक्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आधार लिंक करना तो उसके बस में नहीं है ना, आधार लिंक तो आपको खुद से करना होगा। अगर वो लोग के हाथ में होता आधार लिंक करना तो वो लोग वहाँ से आधार लिंक कर देते, लेकिन आधार तो आपका खुद का पर्सनल मैटर है, ठीक है भाई। दुमका डिस्ट्रिक्ट में कब पेमेंट मिलेगा? दुमका डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा भाई पेमेंट, जब ई कल्याण आपका ये अप्रूव हो जाएगा तब जाके आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है, तो थोड़ा वेट करो पेमेंट आने का। दुमका, ईस्ट सिंहभूम, रामगढ़, ये लोग को अभी अलॉट किया ही नहीं गया है पैसा, ठीक है भाई। तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट को पेमेंट नहीं मिला है सबको धीरे धीरे करके मिलेगा, ठीक है। आपका आपको बताया ना कि DC ऑडिट कर रहा है। हेलो, मेरा सवाल है, DC कॉलेज जाके ऑडिट कर रहा है, मैंने ट्विटर में मेरे कॉलेज से रिलेटेड ई कल्याण का फॉर्म टाइम खुलने के बाद ट्वीट किया था, तो क्या कुछ उससे इफेक्ट पड़ेगा मेरे पैसे आने से? ये अप्रूव्ड है, ट्विटर लिंक चैनल का अबाउट में है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ट्विटर से कोई दिक्कत नहीं है, ट्विटर में आपका आवाज़ तो रख ही सकते हैं, ऐसे थोड़ी कि वो ट्विटर आप ट्वीट कर दिए तो आपका पैसा रोक देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई मेरा 21-22 का पैसा अभी तक नहीं आया, फाइनल अप्रूव भी हो गया है तो कब तक आएगा? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई? 21-22 वाले का पेमेंट अभी तक नहीं आया तो भाई अब कब आएगा? क्योंकि 22-23 वाले का पेमेंट अभी आ रहा है, ठीक है, 21-22 का तो मार्च से पहले ही आ जाना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं आया तो आप ECLN ऑफिस जाओ, उनसे बात करो, ठीक है। तो ठीक है भाई, आज के वीडियोस में बस इतना ही, और ऐसे ही ECLN से रिलेटेड और भी किसी तरह का जानकारी होगा तो
आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी कल्याण से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा आप हमें डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम लेजेंड्स ऑफ जेवियर वहाँ भी जाकर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेजेंड्स ऑफ जेवियर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।